रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम मंठार न्यूज़ के नाज़रीन सामीन। आप देख रहे हैं, ये है प्याज की पनीरी। तो ये मुख्तलिफ जो क्यारियों में लगाई गई है, ये 100 रुपये किलो के हिसाब से जो है फ़रोख्त हो रही है मार्केट में। सुबह सुबह का वक्त है और हम यहाँ पर पहुँचे हैं इस मालिक के पास, जिसने ये प्याज की पनीरी लगाई हुई है। आइए इनसे जानते हैं कि ये कैसे फ़रोख्त कर रहे हैं, इधर उनसे बात करते हैं। प्याज वैसे भी बहुत ज़्यादा महंगा है मार्केट में, तो ज़िम्मेदारों को कोशिश करनी चाहिए कि ये जो है अपनी पनीरी लगाएं और प्याज जो है काश्त करें, ज़्यादा से ज़्यादा प्याज काश्त करें। तो मेरे साथ ही यहाँ पर कुछ, हाँ नाज़रीन, ये है वो भाई जिसने जो है ये पनीरी काश्त की हुई है प्याज की। तो आइए इनसे जानते हैं कि ये इस पर कितना इनका ख़र्चा आया और कैसे इन्होंने जो है ये कितने अरसे में तैयार हुई है। जी भाई, ये बताइएगा आप कैसे जो है ये फरोख्त कर रहे हैं। 100 रुपये हाथ। 100 रुपये हाथ। हाथ मुरब्बा फुट, डेढ़ बाय डेढ़ फुट, डेढ़ बाय डेढ़ फुट फुट जो है ये 100 रुपये के हिसाब से। 100 रुपये फुट के हिसाब से। अच्छा, तो इसमें जो है ये कितने जो मुरब्बा फुट है, डेढ़ फुट, इसमें कितने केजी आ जाते हैं, किलो आ जाती है, डेढ़ किलो कितनी आती है? सिर्फ 1 किलो। 1 किलो है ये। तो ये कितने अरसे में तैयार हुई है? डेढ़ माह में। डेढ़ माह में। ये कितने आपने रकबे पे काश्त की हुई थी? 2 कनाल में। 2 कनाल में। कितनी आपकी फरोख्त हो गई है और कितनी बाकी रहती है? तकरीबन आधा आधा हो चुका है। आधा कनाल फरोख्त होगी, 1 रहती है। अच्छा, तो नाज़रीन ये वो भाई है जिसने पनीरी काश्त की थी और इस वक्त जो है वो इसको जो है फरोख्त कर रहा है। कुछ यहाँ पे ग्राहक भी मौजूद हैं जो वो लेने आए हैं, उनसे भी जानते हैं। बुज़ुर्ग, आप जो है लेने आए हैं ये? अच्छा, आप ये कैसे ले रहे हैं? ये ठीक है इस हिसाब से, क्योंकि आप सीनियर बंदे हैं, आपको बेहतर पता होगा कि ये किलो के हिसाब से बेहतर है या एक फुट के हिसाब से बेहतर है। हाँ जी, मिट्टी भी आनी है। अच्छा, अच्छा, ये अगर 20 किलो लिया जाए, ली जाए पनीरी, तो ये कितने रकबे पे काश्त हो सकती है? 1 कनाल। 1 कनाल पे। मेरे साथ जो है इस वक्त हमारे इलाके के बहुत ही मशहूर ताजर जो है काश्तकार मौजूद हैं, काशिफ चौधरी साहब, इनसे भी जानते हैं कि काशिफ भाई आप पनीरी लेने आए हैं? जी जी, प्याज की पनीरी लेने आए हैं। अच्छा, कितने रकबे पे आपने काश्त करनी है? तकरीबन 4 एकड़ पे। 4 एकड़ पे। जी जी। तो ज़मीन आपकी तैयार है? ज़मीन अल्हम्दुलिल्लाह तैयार है हमारी। तो आप मुझे ये बताएं कि आपने अपनी पनीरी क्यों नहीं लगाई? अपनी पनीरी लगाई थी, उससे 2 एकड़ लगे हैं, 2 एकड़ों की हमने और परचेज करनी है। अच्छा, तो ये जो है ये कैसा कारोबार रहेगा प्याज? बहुत अच्छा है, प्याज की इस साल बहुत ज़्यादा शार्टेज रही है, कमी रही है। इस टाइम में आप देखें प्याज का बहुत ज़्यादा रेट है, और प्याज लगाएंगे तो इंशाल्लाह ताला आगे से रेट भी कम होगा इसका, और लगाना चाहिए, हर बंदे को लगाना चाहिए। ये ज़िम्मेदार इलाका है, यहाँ पर हर ज़िम्मेदार को प्याज लगाना चाहिए। घर की सब्ज़ियाँ, प्याज फ्रूट, ये जिनसे हमारी ज़मीनों से जाती हैं ना, हमें भी ये लगा के घर में इस्तेमाल करनी चाहिए। हाँ, तो नाज़रीन ये हमारे साथ थे चौधरी काशिफ महमूद साहब, हमारे इलाके के बहुत अच्छे किसान हैं। इन्होंने 4 एकड़ पे जो है ना प्याज काश्त की हैं। तो इनका भी कहना था कि दूसरे ज़िम्मेदारों को भी कोशिश करनी चाहिए कि अपने घरों में जो है ज़मीन में जो है प्याज काश्त करने चाहिए, जिससे जो है सब्ज़ी के रेट जो है कम भी होंगे और फ़ायदा भी होगा उनका। ये भाई एक जमालदीन वाली से यहाँ पर आए हुए हैं प्याज की पनीरी लेने के लिए, हमसे हम जानेंगे। भाई मुख्तसर बताइएगा क्या सूरत हाल है? भाई प्याज की महंगाई की वजह से हर आदमी अपनी काश्त की वजह से हमारे इलाके में पनीरी नहीं मिल रही थी, इसलिए यहाँ मंठार में अगेती पनीरी है, इसलिए प्याज की पनीरी यहाँ से लेने आए हैं। तो हमने अपनी तरफ से कोशिश की आपको जो है प्याज की पनीरी के बारे में मालूमात दी। देखते रहिए मंठार न्यूज़।